हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी लार्ज या स्मॉल नंबर को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि (k×10⁻⁶) के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और साथ ही अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो तो उसे हम यूजुअल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज के इस क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे वर्कशीट 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट इन द फॉर्म (k×10⁻⁷) वेयर के इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड इट इज़ ऑलवेज लेस दैन 10। यहाँ पर जो ये (k×10⁻⁷) है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है नंबर्स को लिखने का, और इसमें k की वैल्यू या तो 1 होती है, 1 से बड़ी होती है, पर वो वैल्यू हमेशा 10 से छोटी होती है। और ये जो n है, जो 10⁻⁷ में लिखा गया है, ये कोई भी इंटीजर होता है, यानी ये पॉजिटिव नंबर या फिर नेगेटिव नंबर या फिर 0 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस गिवन है इन्हें बेसिकली इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए, और k की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इन यूजुअल फॉर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए वो होता है डेसिमल पॉइंट का। डेसिमल पॉइंट के शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि 10⁻⁷ में क्या नंबर आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 1384000। ये एक बहुत लार्ज नंबर है। इस नंबर में हमें देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ आ रहा है। इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट दिख तो नहीं रहा है, बट जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं दिखता है तो हम मानते नहीं हैं बल्कि ये ऐसा होता है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक्चुअल में इस नंबर के एंड में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब हमें इसी डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है जिससे कि के की वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो अगर यहाँ से हम इसे शिफ्ट करेंगे तो हमें इसे यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, ठीक है, ताकि ये बन जाए 1.3। ये 1.384 जो बनेगा ये 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमें कितने प्लेसेस इसको शिफ्ट करना है ये काउंट करना होगा। ठीक, चलो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने प्लेस मूव किया हमने, 6 प्लेस। तो 6 प्लेस मूव करने का मतलब हो गया कि 10⁻⁶ होगी 6, और ये जो 1.384 हमारा बना है डेसिमल के शिफ्टिंग की वजह से ये k की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.384 (10⁻⁶). अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डेसिमल था ना, यहाँ पर इस डेसिमल को हमने किस साइड मूव किया है, तो इस डेसिमल को हमने मूव किया है लेफ्ट साइड में। ठीक, तो जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो ये जो पावर आती है यानी ये जो n आता है, जो कि एक इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर इसकी जगह पर हम इसे राइट साइड मूव करते तो ये n की वैल्यू नेगेटिव आती। ठीक, आगे के क्वेश्चंस में हमें ऐसे और एग्जांपल्स दिखेंगे जिसमें हमें डेसिमल को राइट साइड मूव करना होगा, और राइट साइड मूव करने के कारण वो जो पावर आएगी यानी n वो नेगेटिव आएगी। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.32005। यहाँ पर भी हमें एक यूजर फॉर्म में नंबर गिवन है, ये एक डेसिमल नंबर है, और इस डेसिमल नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करना है कि इस केस में भी जो के की वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो यहाँ पर ये जो डेसिमल फॉर्म है ना, ये देखो ये 12 के बाद है, यानी ये तो 10 से बड़ा हो गया, लेकिन के की वैल्यू 10 से हमेशा छोटी होती है, यानी इसे मूव करना होगा, और इसे हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड में जिससे ये बन जाएगा 1.2। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 1.232005। ठीक है, पूरा नंबर लिखाएगा एंड दिस विल बी इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, कितने टाइम कितने प्लेस हमने बेसिकली इसे मूव किया है, हमने इसे मूव किया है 1 प्लेस, सो दिस इज़ 10⁻⁰। क्लियर है ये क्वेश्चन? जब भी हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, 2157.957। यहाँ पर देखो ये जो 2157 है ये एक बहुत लार्ज नंबर है। ठीक, इसमें डेसिमल पॉइंट गिवन है, हम फिर से इसमें डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, और किस साइड मूव करना होगा हमें, लेफ्ट साइड अगेन, सो दिस विल बी 2.157957। अब कितने प्लेस हमने मूव किया है इस डेसिमल पॉइंट को,
1, 2, 3 थ्री प्लेसेस, सो दैट मीन्स इसकी पावर हो जाएगी 3, 10 to the power 3। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें हमने यूजुअल फॉर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.00002। अब ये जो नंबर है ना, ये 1 से छोटा है। तो जब ये 1 से छोटा है तो k की वैल्यू तो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो इस केस में हमें डेसिमल को कुछ इस तरह से मूव करना होगा, शिफ्ट करना होगा कि ये जो वैल्यू है k की वो 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर आ जाए। तो इस केस में हमें इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना होगा ताकि ये बन जाए 2 point something। क्लियर है? तो ये 2.0, इसके बाद 0 ही आएगा ना, 2.0 बनेगा। तो इस केस में राइट साइड मूव कर रहे हैं, यानी जो पावर आएगी, ये जो n आता है वो क्या आ जाएगा, इस केस में नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस विल बी 2 into, कितने प्लेसेस हम मूव कर रहे हैं, 5 places। सो दिस विल बी 2 into 10 to the power -5। क्लियर है? बस हमें यही ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है। कब शिफ्ट करना है? जब k की वैल्यू 1 से 10 के बीच में ना हो, ठीक है? तो मूव करेंगे और इस तरह से मूव करेंगे इतने प्लेसेस की k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक के बीच में आ जाए। लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव पावर, राइट साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव पावर। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 5th इज 0.00729। यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है, यानी हमें इसमें डेसिमल पॉइंट को कुछ इस तरह से शिफ्ट करना होगा कि ये जो वैल्यू है, यानी जो के की वैल्यू हमें चाहिए, वो वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो इसे हम राइट साइड मूव करेंगे, है ना? और ये हो जाएगा 7.29। कितने प्लेसेस मूव किया है हमने इसे? तो हमने इसे काउंट करो, 1, 2, 3 थ्री प्लेसेस मूव किया है। सो दिस विल बी 10 to the power -3। क्लियर है ये? तो ये जो वैल्यू है ये 7.29, अब ये 1 से 10 के बीच में है, यानी k की वैल्यू तो हमें 1 से 10 के बीच में मिल गई, और पावर जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि हम डेसिमल को राइट साइड मूव कर रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक बहुत लार्ज नंबर है, लेकिन ये 1 से छोटा है, 0. डेसिमल के बाद बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, तो हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करना होगा राइट साइड में ताकि ये जो नंबर है, यानी के की जो वैल्यू हमें चाहिए, वो 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो इस डेसिमल को हम कहाँ मूव करके ले जाएंगे? इस डेसिमल को मूव करके हम ले जाएंगे इस 9 के बाद, यानी इस पोजीशन पे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 9.26। और काउंट करो कितने प्लेसेस हम इसे मूव कर रहे हैं। तो हम इसे 10 प्लेसेस राइट साइड मूव कर रहे हैं, यानी ये जो 10 है इसकी पावर आ जाएगी -10, ठीक? 10 प्लेसेस मूव किया और राइट साइड मूव किया। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, 520000000। यहाँ पर ये जो नंबर है इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है, ये नंबर 1 से इनफैक्ट 10 से भी बड़ा है, जो हमें के की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले तो इस डेसिमल को यहाँ लगाएंगे, ठीक? अब इस डेसिमल को हमें मूव करके कहाँ ले जाना है, इस 5 के बाद, तब ये बनेगा 5.2 और के की वैल्यू 1 से 10 के बीच में आएगी। एंड दिस विल बी इक्वल टू 5.2 इनटू, कितने प्लेसेस हम मूव कर रहे हैं, तो इसे हम 662 यानी 8 प्लेस मूव कर रहे हैं और लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, इसलिए पावर इस केस में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.000085। यहाँ पर ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है? तो इस केस में ये डेसिमल इस साइड मूव होगा, यानी राइट साइड मूव होगा। तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू, कितने प्लेसेस मूव हो रहा है, 6 places। सो दिस विल बी 10 to the power -6। क्लियर है? बस इतना ध्यान देना है ना कि जब भी डेसिमल को इस साइड मूव करना पड़े, यानी ये 1 से छोटा हो, तो राइट साइड ही मूव करेंगे, और राइट साइड मूव करने का मतलब है 10 की पावर नेगेटिव होगी। क्लियर? तो बेसिकली ये है यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट इन यूजुअल फॉर्म। यहाँ पर अब हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, जो हमारा था k इंटू 10 to the power n, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, ठीक है? तो इस केस में हमें इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर देखो, ये डेसिमल है, ये है 52.5 इंटू 10 to the power 4। तो इस डेसिमल को हमें बेसिकली कुछ इस तरह से शिफ्ट करना होगा कि ये जो है डेसिमल हट जाए, ठीक? तो जब हम 10 की पावर 4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इसे हम
इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ बींग मल्टीप्लाइड बाई 52.5 इंटू 10^4, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 10,000। तो जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने देखा है कि जब 100 या 1,000 टाइप के नंबर से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ज़ीरोज़ लग जाते हैं एंड में, 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ज़ीरोज़ लग जाते हैं एंड में, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से बस ज़ीरो लगा लो, इसे लिख लो 525, कितने ज़ीरोज़ लगेंगे, 4 ज़ीरोज़। पर यहाँ पर जो ये जो नंबर था इसमें डेसिमल था, ठीक है, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, एक डिजिट था। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें से एक डिजिट हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर आएगा, ठीक, 10^4 है ना, तो 4 प्लेसेस डेसिमल इस साइड जाएगा। तो जब यहाँ से यानी इस प्लेस से डेसिमल इस प्लेस पे जाएगा, तो ये ज़ीरो तो डेसिमल के बाद आएगा, ठीक, तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसे लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि 10 की जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ लगा लो, और डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ उसमें से हटा दो। ये सबसे ईजी वे है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको यूजुअल फॉर्म में लिखने का, ठीक। एक और तरीका होता है, इसे हम सेकेंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। 158.9 इंटू 10^6। अगर इस फॉर्म में, इस वे में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को अगर हम उसका डेसिमल हटाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, ठीक। सो दिस विल बी 158.9/10 इंटू 10^6। 10^6 को भी इस तरह से लिखो, चलो 6 जीरोज़ आएंगे। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 1589, कितना ज़ीरो बचा, 5 ज़ीरो बचा। सो दिस इज़ द यूजर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डायरेक्टली इस वे में करते तो पहले 6 ज़ीरोज़ लगाते और डेसिमल के बाद एक नंबर था तो एक ज़ीरो हटा देते, तो एंड में तो 5 ज़ीरोज़ ही बचते। वही चीज़ अभी भी हो रहा है, ठीक, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.545 इंटू 10^12। अगर इस तरीके से हम चले तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर में आगे 12 ज़ीरोज़ लगाएंगे और उसके बाद उसमें से 3 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, फाइनली इसके आंसर में 9 ज़ीरोज़ बचेंगे। कैसे, चलो पहले तो लिख लेते हैं इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ज़ीरोज़ लगाया हमने, ठीक है, क्योंकि पावर में 10 इंटू 12 है, तो जो भी नंबर है उसमें उतने ही ज़ीरोज़ लगा दो जितने 10 की पावर है, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे इसलिए ये 3 नंबर्स हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में डेसिमल आएगा और इस डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। चलो क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.72 इंटू 10^-5। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनमें जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन अब पावर नेगेटिव आ गई। तो जब पावर नेगेटिव आ जाएगी तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो ज़ीरो अभी इस साइड लग रहा था ना, यानी नंबर्स के बाद में, ये ज़ीरो अब इस नंबर के स्टार्टिंग में लगा दो, यानी इसे हम लिखेंगे 172, और ये कितना पावर है, 5 पावर है, चलो 5 ज़ीरोज़ लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, डायरेक्शन चेंज कर दो ज़ीरोज़ लगाने का। लेकिन यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये कितने प्लेसेस शिफ्ट होना चाहिए, 5 प्लेसेस शिफ्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पावर तो 5 है। तो यहाँ से अगर 5 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो ये ज़ीरो कहाँ जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, इस डेसिमल को तो यहाँ पर आना चाहिए, क्लियर है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव पावर रहेगी ना, तो जो ये ज़ीरो है इसको नंबर के आगे लगा देना, ठीक, और जितना भी पावर रहेगा उतने प्लेसेस शिफ्ट कर देना डेसिमल को, और शिफ्ट करने के बाद आगे वाले जीरोस का कोई मतलब है नहीं, क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.5 इंटू 10^-7। फिर से नेगेटिव साइन आया, यानी ज़ीरो जो है वो किस साइड लगेगा, नंबर के आगे। तो चलो 85 लिख लो पहले, डेसिमल को तो शिफ्ट ही करना है इसलिए हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, और कितनी पावर है, 7 पावर है, तो 7 ज़ीरोज़ लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब 7 पावर था, 7 ज़ीरो लग गया, पर शिफ्टिंग भी तो 7 टाइम्स ही हो रही है, तो कहाँ शिफ्ट होके जाएगा ये डेसिमल, यहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ आ गया। सो दिस इज़ 0.5
जीरो 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 जीरो, सिक्स टाइम्स जीरो है 8 5। सो दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लें। 2.9 × 10⁻¹⁹। फिर से ये साइन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव पावर होने का मतलब हो गया कि ज़ीरो जो है वो आगे लगेगा। कितने ज़ीरोज़ लगेंगे? 9 ज़ीरोज़ लगेंगे, 6 7 8 9। ठीक, अब ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी ये जो डेसिमल आएगा ये जस्ट एक ज़ीरो के बाद आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चंस लिखना। बस जो भी मेथड मैं बता रही हूँ उसे फॉलो करो, क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज 6293.2 × 10⁵। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, इसे यूजुअल फॉर्म में करना है। तो यूजुअल फॉर्म में करेंगे तो कितने ज़ीरोज लगाएंगे हम? 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे, क्योंकि पावर 5 है और पॉजिटिव पावर है, यानी ये जो नंबर है इसके एंड में 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 62932। और कितने ज़ीरोज़? 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये जो नंबर था इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यानी लास्ट वाले एक ज़ीरो को हटा देंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो कितने आसानी से हम सारे क्वेश्चंस में उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, है ना। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 1.925 × 10⁻¹⁶। अब क्या पावर आ गई? नेगेटिव पावर आ गई, यानी ये जो ज़ीरो है वो तो नंबर के आगे लगेगा, तो इसे हम लिखेंगे। कितने ज़ीरोज़ हैं? 6 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 9 2 5। ठीक है, अब चलो यहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट करना है, और शिफ्ट करके कितने प्लेसेस शिफ्ट करना है? 6 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो जब 6 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से शिफ्टिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज़ 0.00000001925। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये सबसे आसान सबसे इजी वे है इस क्वेश्चंस को लिखने का। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ k × 10⁻¹⁹। यानी यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है और हमें इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चंस में और इनमें? वहाँ पर बस हमें सीधे सीधे क्वेश्चंस यानी नंबर्स दिए हुए थे और उसे कन्वर्ट करना था, पर यहाँ पर ना हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। बेसिकली ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसे हमें पहले सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो नंबर है 1.25 × 10⁻¹⁷, ये पूरा टर्म एक ब्रैकेट के विदिन है और ये डिवाइड हो रहा है 5 × 10⁻³ से। ठीक है, ये भी ब्रैकेट के विदिन होगा। क्लियर है, यानी ये पूरा टर्म इससे डिवाइड हो रहा है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1.25 × 10⁻¹⁷ इज़ बीइंग डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻³। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। जब हम इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, है ना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यानी नीचे 100 आ जाएगा। अब ये 125 और 5 कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा? ये 5 से जब इसे कैंसिल करोगे तो ये आएगा 25। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? ये है 10⁻⁷ और यहाँ है 10⁻³ × 10⁻² है एक्चुअल में ये। ठीक, सो दैट मीन्स जब हम इसे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना, सेम बेस वाले नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी ये 10⁵ हो जाएगा। सो दिस विल बी 10⁷। ठीक, अपॉन, चलो इसी तरह से लिख लो पहले, 10³ × 100, दैट इज़ 10⁵। सो दिस इज़ 25 × 10⁻¹⁵। क्लियर है, सो दिस इज़ 25 × 10⁻²। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? पहले हमने इसे सॉल्व किया, उसके बाद हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नंबर जो है ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है k × 10⁻¹⁹ में। क्यों नहीं एक्सप्रेस हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर हमारा आया है 25 × 10⁻², ये 25 एक्चुअल में 10 से तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हमें जो k की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो 1 से 10 के बीच में होती है। ठीक है, तो हमें इस 25 को किस रेंज में लाना होगा? इस 25 को हमें 1 से 10 के रेंज में लाना होगा, यानी हमें डेसिमल की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और जब हम डेसिमल की शिफ्टिंग करेंगे तो वो डेसिमल की शिफ्टिंग किस साइड होगी? डेसिमल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यानी ये डेसिमल यहाँ होगा। इस डेसिमल को जब हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
2.5 इंटू 10^3, है ना। डेसिमल को हम किस साइड शिफ्ट किया, हमने इस साइड शिफ्ट किया, तो इस 2 में 1 ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बी 10^3। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 इंटू 10^10, इट इज़ बिंग मल्टीप्लाइड बाई 31.25 इंटू 10^-5। यहाँ पर दो टर्म्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, और इस 10 वाले नंबर का यानी 10^10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10^-5 से। दोनों ही टर्म्स का बेस सेम है यानी इनका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 78.125। क्लियर है, 78.125। इसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो और ये हो जाएगा, ये 10 और ये मतलब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो दिस इज़ 10 की पावर, ये है 10 और ये -5 इसमें ऐड हो जाएगा, सो दिस इज़ 10 + -5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78.125, ठीक है, इंटू 10^5, ठीक। अब ये जो नंबर आया है ये इस फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो रहा है k इंटू 10^n, लेकिन k की जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में नहीं है, यानी ये अभी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल की शिफ्टिंग करनी होगी, और डेसिमल की शिफ्टिंग हमें किस साइड करनी होगी, तो इस डेसिमल को हमें लेफ़्ट साइड मूव करना होगा, और जब हम इसे लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो लेफ़्ट साइड मूव करने पे हम जानते हैं पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन इस केस में पहले से तो 10^5 है, तो जब ये डेसिमल लेफ़्ट साइड में मूव होगा ना, तो इस पावर में जितने टाइम्स ये डेसिमल अब शिफ्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये डेसिमल कितने टाइम्स बेसिकली मूव कर रहा है, 1 टाइम, तो इस 10^5 में इस 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि शिफ्टिंग 1 प्लेस की हुई है लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 7.8125 इंटू 10^6। क्लियर है क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 इंटू 10^9 इंटू 5.0 इंटू 10^-3। यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम ये जो टर्म्स हैं ना इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से ये 10^ वाले नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 1.6 इंटू 5, ठीक। 5.0 को तो हम 5 लिख सकते हैं एंड दिस इज़ 10^9 इंटू 10^-3, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 5 कितना होता है 80, और डेसिमल है यानी 8.0 आएगा, तो इसे हम सिंपली 8 लिख सकते हैं एंड दिस विल बी 10^9 + -3, ठीक, +-3, सो दिस विल बी 8 × 10^9 - 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6, सो दिस इज़ 8 × 10^6। यहाँ पे ये जो 8 है ये 1 से 10 के बीच में है, इसलिए इस केस में हमें डेसिमल शिफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.4 × 10^4 मल्टीप्लाइड बाई 5.0 × 10^-3, और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ बिंग डिवाइडेड बाई 2.0 × 10^5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट के विदिन की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 3.4 × 5, सो दिस विल बी 3.4 × 5.0, तो दैट मीन्स 5 तो लिख सकते हैं एंड दिस विल बी 10^4 + -3, तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे इसे 1। ये जो पूरा टर्म है ये डिवाइड हो रहा है 2 × 10^5 से, ठीक, सो दिस विल बी 3.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो ये कितना हो जाएगा 17, सो 17 × 10^1 इट इज़ बिंग डिवाइडेड बाई 2 × चलो इसे ब्रैकेट में लिख लो ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये पूरा टर्म एक टर्म है, ठीक है, डिवीज़न जिनका हो रहा है, सो दिस विल बी 17 / 2, ऐसे लिखेंगे हम इसे, ठीक है। ये टर्म डिवाइड हो रहा है 2 × 10^5 से, सो 17 / 2 कितना हो जाएगा 8.5, और ये जो 10^1 है 10^5 है, इन दोनों का डिवीज़न हो रहा है, बेस सेम है, तो इनका जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 - 5, सो दैट मीन्स इट विल बी 8.5 × 10^-4। क्लियर है ये क्वेश्चन। कैसे कर रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस पहले सॉल्व करो उसके बाद उन्हें उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ k × 10^n।
यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म्स में नंबर गिवन है, और हर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर यूज्ड है, और ये सारे ही नंबर्स अपने यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो दिस इज़ 1384000। सो दिस विल बी, अब यहाँ पर डेसिमल तो दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ है, तो इस डेसिमल को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे इस वन के बाद, जिससे कि हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 1 और 10 के बीच में। सो दिस विल बी 1.384। ठीक, ये तो नंबर आ गया, जीरोज हट जाते हैं। ठीक, और ये शिफ्टिंग कितने टाइम्स हो रही है? 6 टाइम्स, और किस साइड हो रही है? लेफ्ट साइड, यानी जो पावर है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो दिस विल बी 1.384 × 10⁶। ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा नंबर है, इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। डेसिमल नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ है, और इस डेसिमल को मूव करेंगे हम इस वन के बाद। ठीक, सो दिस विल बी 1.5 × कितने प्लेसेस डेसिमल मूव कर रहा है, इसे काउंट करो। तो ये जो डेसिमल है ये बेसिकली 8 प्लेस मूव कर रहा है, और लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, यानी ये हो जाएगा 10⁸, क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 27,600 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो होती है 27,600 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें फिजिक्स में नहीं जाना है, हमें बस यही देखना है कि ये जो नंबर है इसे हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें, यानी कि k·10⁻ के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो इस क्वेश्चन में भी तो डेसिमल नहीं दिख रहा है, यानी ये डेसिमल यहाँ पर है एंड में, और इसे हमें मूव करना होगा 2 के बाद, तो k की वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ जाएगी। सो दिस विल बी 2.76। लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, कितने डिजिट्स मूव हो रहा है? तो 4 डिजिट्स। सो दिस विल बी 10⁴, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 4th इज़ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है ना, यानी ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर में है। तो ये जो नंबर है, पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं। इट विल बी रिटन एज 1/10⁻, कितने जीरोज़ हैं इसमें काउंट करो, 10 जीरोज़ हैं। ठीक, तो ये तो आ गया 1/10⁻ के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ना इसे ऊपर ले जाना होगा। ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, और जब हम इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻¹¹। ठीक, अब इसे 1 × 10⁻¹¹ के फॉर्म में क्यों लिखे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो k की क्या वैल्यू है यहाँ पर? k की वैल्यू है 1, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखना सीखा है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से देखिए आप। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के आगे के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।